मंजला गांधी नहीं थे डांस कर लो थे अनि हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मंजित त्रिपाठी और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। आज हम लोग, मैं और मेरे दो दोस्त जुन्नर आए हुए थे मौसी के घर। आज हम मौसी के घर पे रुके हुए। जुन्नर आने का प्लान हमारा 2-3 महीनों से बन रहा था पर पोस्टपोन हो रहा था। आज फाइनली हम जुन्नर आ चुके। तो जुन्नर के आजू बाजू के प्लेस हम एक्सप्लोर करने वाले और एक्सप्लोर करते करते हम उसका ब्लॉग भी बनाने वाले हैं। गाड़ी थांबा मले थांबा रे। हाँ ए हो गया, आता जस वाजवलो ना ते कोडवर्ड है त्यातने एक तर समजायचं मी बोलवायलोय किंवा थांबवायलोय नाहीतर थांबायलोय। इतकी उशीर मी वाजवलं पण वाजलं नाही तुला सांगा म्हणलं हे कोड आहे कोड आणि आता बरोबर वाजलं। कैमरा लाउड नहीं है कैसा? टिकट लेना पड़ेगा क्या? पार्टी का नहीं, कैमरा का टिकट नहीं है क्या? कैमरा का टिकट नहीं है? नहीं नहीं, कैमरा अलाउड नहीं लगा। लास्ट टाइम क्यों नाल तो दादा हमें लास्ट टाइम ऐसा कहीं ना होता। हाँ कितने पैसे तू आके देते ना कभी ची कितने का टिकट है? वीडियो फिल्मिंग का लाउड नहीं है वीडियो नहीं निकालना है ना, फोटो तो निकाल सकते ना। नहीं कैमरे फोटो पर नहीं काटा जा, कितने ले लेंगे? मोबाइल में काट सकते ना, मोबाइल में काट सकते ना, मोबाइल में इधर ठेव मगर तू ठेव मगर सोबत ठेव ना। हां तो गाड़ी ठीक है, जर बघितला पकडला त्यांनी तर कॅमेरा जप्त करते। मग मोबाईल तरी यूज केला चालेल ना? हां मोबाईल मोबाईल चालतो, कॅमेरा बोलले कॅमेरा पकडला टिकट चलो आता दोघे वापस हां बोल। अब तो नहीं लगाना ऊपर, आप कहीं भी टिकट नहीं लगेगा। ए मग कॅमेरा ठेवून टाक ना। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे मैं मेरा भाई और अक्षत, तब यहाँ पे उन्होंने कैमरा अलाउड किया था बट इस टाइम उनके रूल्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। तो इस टाइम उन्होंने कहा कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बट DSLR कैमरा आप अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमें भी कोई नहीं चिल्लाएगा। तो इसलिए हमने हमारा DSLR कैमरा बैग में रख दिया, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो मोबाइल है ही हमारे पास। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, नीचे से ऊपर चढ़ते समय बहुत सांसें फूल रही थी इसलिए व्लॉग नहीं कर पाया, इसलिए सोचा कि डायरेक्टली ऊपर जाते फिर आप लोगों से बातें करते। मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ कि ऊपर चढ़ने का रास्ता तो बहुत शॉर्ट दिखता है और चढ़ने में फट जाती है। कहाँ से वहाँ से ना यहाँ से भी क्लियर रास्ता नहीं दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा।
तो ये इस यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लाइम करना। ये रास्ता है, ये रास्ता दिखने में जितना शॉर्ट लग रहा है उतना ही चढ़ने में चालू कर दो। पाय चोट लागले तू काय केलं मामा आता तू कर क्या तू नेता डान्स कर की मंजाला आणि ए गांडी नाही ते डान्स करत होते आणि सगळा ग्रुप गांडी गेले देवो मस्त म्हणजे असे डान्सर होणे नाही असे डान्सर कधीच होणे नाही। इथं इथं हे जे सस्ता है ऋतिक रोशन है काय डान्स करते म्हणजे एक जन पाहिलास पाहिजे केले असते मी पण हा सस्ता नाही तो सस्ता ऋतिक रोशन हा असली असं हां नाही ते सस्ता गजू आहे सस्ता गजू त्यांनी बे त्याचा आळस वाढायला सगळे यायला भरपूर थकला जातो अबे नाही ते डिम करते ऑटोमॅटिक अरे तुझी काय चार्जिंग जास्त जाऊ नये म्हणून त्याने डिम करून टाकते बस तो ऐसा कुछ व्यू दिखता है लेनेद्र के टॉप टॉप एंगल से। श्राप श्राप श्र श्री शब्द तो गाइस ये लेनेद्र के केव्स है। हम लास्ट से स्टार्ट करके फर्स्ट तक जाने वाले हैं। तो ऐसे केव्स ऐसे कुछ लेनेद्र के केव्स है जहाँ पे बुद्धिस्ट रहा करते थे और अपना मेडिटेशन किया करते थे। ऐसे कुछ केव्स है, ये फर्स्ट केव है। ऐसे पूरे टोटल 27 या 26 केव्स है पूरे लेनेद्र में। ये लेनेद्र के पूरे 26 या 27 केव्स ईस्वी सन पूर्व फर्स्ट सेंचुरी या सेकंड सेंचुरी में बने हुए और 26 केव्स में से सिक्स केव में गणपति की एक मूर्ति है जो थर्ड सेंचुरी में हिंदुइज्म में अडॉप्ट किया गया था और ये गणपति की मूर्ति अष्टविनायक में से एक मानी जाती है। अष्टविनायकों में आठ विनायक जो आप गूगल करके देख सकते हो वो अष्टविनायकों में ये एक गणपति है। ऐसा लाइन से वहाँ से हमने वहाँ से बेसिकली हमें वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था बट हमने एंड से स्टार्ट किया इसलिए हम आपको उल्टा दिखा रहे हैं। उल्टा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे केव्स आपको देखने मिलते हैं। कुछ छोटे कुछ बड़े ऐसे केव्स है। पूरा जुन्नर का सीन दिखता है यहाँ से। इसे कपिचित भी कहते हैं क्योंकि ये बंदरों की पसंदीदा हाँ नंतर वाटलं तर ते फोटो ऐड करतो इधर बंदर की बात है। अरे हमारे यहाँ पे मैंने जो अभी आपको बताया था गणपति की मूर्ति है
वो यहाँ पे ये 6 KV इसके अंदर गणपति की मूर्ति है, बट मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर कैमरा प्रोहिबिटेड है। ये कपिचित है मन्ना, इसे कपिचित कहते हैं। इन केव्स को संस्कृत में कपिचित भी कहा जाता है क्योंकि ये सांग, तू सांग नमक, क्योंकि कपिचित का मतलब बंदरों की पसंदीदा जगह, इसलिए उसे कपिचित कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, ये इधर नीचे आते वक्त भी आपको बहुत यहाँ पे अंदर जाने के लिए हमें शूज वगैरह निकालने पड़ेंगे। स्तूपा मंदिर करायचं नसत फोटो पांडुरणी पण सेमच आहे की ये जो सामने आपको दिख रहा है इसे बुद्धिस्ट लोग स्तूपा कहते थे। पहले बुद्धिस्ट लोग इसकी पूजा करके इसके सामने मेडिटेट करते थे। बुद्धिस्ट लोग साधना करण्याच्या अगोदर काय करतात ते पूजा नसती। एग्जैक्टली गाइज हमें पता नहीं है कि वो क्या पूजा करते थे या नहीं करते थे। यहाँ एक आवाज एक और है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिंपल फोर कैमरे।